सो क्या दोस्तों आप भी अपना फोटो एडिटिंग के लिए दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए रेमेनी ऐप का यूज करते हैं? इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना फोटो एडिटिंग के लिए ज़्यादातर रेमेनी ऐप का ही यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि दोस्तों वहाँ पे आप फोटो एडिटिंग करते हो तो वहाँ पे भर भर का ऐड आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि विदाउट कोई भी पैसा इन्वेस्ट किए बिना, विदाउट कोई उसका सब्सक्रिप्शन लिए बिना आप कैसे उस ऐड को बंद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा, सिर्फ आप उस ट्रिक को लगाकर आप बहुत ही आसानी से उस मतलब कि जो ऐड आता है उसको बंद कर सकते हो, और आप जितना चाहे उतना आप फोटो को एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि एडिट कर सकते हो अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना। आपको अपने एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को सिंपली से आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। देन उसको दोस्तों आप रेमेनी ऐप को मतलब जिस तरीके से आप चाहे उसको यूज कर सकते हो, और वहां पे आप लोगों को एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोग करके दिखाऊंगा दोस्तों। आप लोग यहां पर देख सकते, मैं रेमेनी ऐप को ओपन कर लिया हूं, एंड आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि आपने सब्सक्रिप्शन लेकर आपको मुझे दिखाया, और दोस्तों यहां पर जो आप में कुछ ऐड नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। जैसे आप यहां पर देखो, मैं यहां पर कट कर देता हूं, एंड मैं जैसे ही कट करूंगा तो यहां पर देख सकते हो मेरा गैलरी खुल गया, एंड यहां पर गैलरी खुलते ही टाइम मेरा जो ऐड आना है ना वो स्टार्ट हो चुका, ठीक कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड दोस्तों इसी ऐड को मैं यहां पर बंद करके दिखाऊंगा, रिमूव करके दिखाऊंगा, यानी दोस्तों जो भी आपको ऐड आ रहा है ना उस ऐड को आप रिमूव कर सकते हो। जैसे यहां पर कट करते हैं, यानी कि आप कोई भी फोटो एडिटिंग करते हो तो आपको कुछ इसी तरीके से ऐड आता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैं यहां पर सबसे पहले ऐड को कट कर देता हूं, एंड यहां पर मैं फिर से क्या करता हूं, आप लोग में जो सेटिंग्स है वो मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। आप लोग यहां पर देख लिए, यहां पर कुछ इस तरीके से ऐड आता है, ठीक है। तो आपको सिंपली से इस ऐड को रिमूव करने के लिए आपको यहां पर करना क्या होगा, आपको यहां पर अपने जो सेटिंग्स होते हैं आपके मोबाइल का जो सेटिंग्स होते हैं उसमें आपको आ जाना है, ठीक है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर सेटिंग्स को ओपन करना है। देन उसके दोस्तों अब यहां पर आप लोग करना क्या होगा, आपको यहां पर सर्च के ऑप्शन पर आपको मतलब टाइप करना है DNS, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी सर्च किया हूँ, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्च करना है, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं सर्च कर दिया हूँ, एंड आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर प्राइवेट DNS आ जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे प्राइवेट DNS पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में आपको देख सकते हो यहाँ पर पॉपअप करके आ रहा होगा प्राइवेट DNS, ठीक है। तो आपको सिंपली से करना क्या होगा, यहाँ पर प्राइवेट DNS पर आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों यही हिसाब दोस्तों रेमेनी ऐप का जो ऐड होता है उसको आप चुटकियों में बंद कर सकते, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, नहीं दोस्तों आप लोग को यहाँ पर कोई भी एक पैसे को इन्वेस्ट करना है, दोस्तों उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को आपको फॉलो करना, कुछ सेटिंग्स करके आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर जो रेमेनी ऐप का जो ऐड होता है उसको आप बंद कर सकते हो, या दोस्तों आप उसको रिमूव कर सकते हो दोस्तों। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑफ का भी ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेलेक्ट प्राइवेट DNS मोड पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा, एक ऑटोमेटिक वाला आएगा, एक ऑफ आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों नीचे में थर्ड ऑप्शन पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर इंटर DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पर आपको कुछ लिखना है, ठीक है। लिखना क्या है, जैसे आपको यहाँ पर टाइप करना है DNS, ठीक है, एंड यहाँ पर डॉट, और दोस्तों उसका दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है ADU, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है ADGU, ठीक है, एंड उसका दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है ARD, एंड उसका दोस्तों आपको यहाँ पर .com लिख देना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लो कुछ इस तरीके से, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, dns.adguard.com, ठीक है। आपको इतना करना है, एंड दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर सेव कर दो तो कुछ इस तरीके से जो आपका सेटिंग्स है वो हो जाएगा। एंड उसका दोस्तों मैं फिर से आपको लाइव प्रूफ से मैं करके दिखाता हूँ, फिर से मैं रेमेनी ऐप का यूज करता हूँ। एंड दोस्तों आप लोग में एक भी वीडियो आपको क्लिप मतलब यानी कि कट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग जो कि बोलेंगे एडिटिंग है, तो मैं फिर से यहाँ पर करता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, मैं जैसे ही मैंने ऐप को मतलब कि ओपन किया हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं आया, ठीक है। एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक फोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ, एंड यहाँ पर मैं इनहेंस पर क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ जैसे मैं इनहेंस पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हो दोस्तों अपलोडिंग इमेज ले रहा है, तो यहाँ पर कुछ देर टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं कोई भी कट नहीं करूँगा, जैसे आप लोग को शक हो, जैसे आप लोग यहाँ पर देख, जैसे आपको यहाँ पर लोडिंग ले लगा तो आप लोग को एक भी ऐड नहीं आएगा, और डायरेक्टली आपको यहाँ पर मतलब जो मतलब फोटो होगा वो एडिट होकर आएगा, और आप आसानी से उसको आप मतलब सेव कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं आया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते, मैं एक भी कट नहीं लगाया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं आया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं सेव भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से सेव भी हो जाएगा, और कोई भी ऐड वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर रेमेनी ऐप को यहाँ पर ऐड को बंद कर सकते हो कुछ सेटिंग्स को करके। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।